पूरा पार्ट चेंज हो गया है ये पूरा। इसमें से मैंने पीपीएफ निकाला, तो आपको ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा होगा। वो ग्लॉस है और ये मैट है इसका। किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो ऐसे जितने भी आश्रम्स वगैरह हैं, है ना, चाहे आपके बच्चों के अनाथ आश्रम हो गया, चाहे ओल्ड एज होम हो गया, यहाँ पर आप कर सकते हैं। चाहे हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के, आए हो सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। सो आज है इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं निकल रहा हूँ एक जगह पर, अपनी गाड़ी आ चुकी है और इस गाड़ी में देखो पूरा पार्ट चेंज हो गया है ये पूरा। इसमें से मैंने पीपीएफ निकाला, तो आपको ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा होगा। वो ग्लॉस है और ये मैट है इसका पीछे का भी, और यहाँ पे भी देखो। तो इसमें मैंने को वापस आज पीपीएफ करवाना है पूरी गाड़ी में, जितने डेंट वेंट थे सब सही हो गया, आ गया है पूरा पीपीएफ। हटवानी है पीपीएफ, देखे ना जी, पूरा बम्पर हटेगा, फिर बम्पर पे भी पीपीएफ है पूरा। यहाँ ये पीपीएफ ही तो है ये पूरा, देख लेना कितना हो रहा है। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, कोई वृद्ध आश्रम है, कल मैं कहीं गया था, उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट वगैरह लिए थे मेरे को, वहाँ पर ध्वजारोहण के लिए जाना है, है ना, फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो अभी अपन निकल रहे हैं फटाफट से, चलो गाड़ी निकल। ये दोनों, हाँ बुला उसको, पीछे में घूम रहा है कौन, ये तो आ गया, तुम भी आने उसको बहुत लेट, उठा नहीं हो, उठ गया, अरे बड़े लेट हैं यार, हमको सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कोई वृद्धाश्रम है, और वो लेने के लिए आगे उनके आगे गाड़ी है, और अभी हम लेके जा रहे हैं इसको, वाइपर की चल रहा है, और पीछे से अपनी दूसरी गाड़ी आ रही है, तो अपन दोनों गाड़ी लेके चल रहे हैं। हमने आगे से फ्लैग लगा था, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये कोई गली है, यहाँ पर सभी लोग, मैं किरौला हूँ तो इनमें ये भी हैं जो लेना है वो भी किरौला है, और यहाँ पूरा का पूरा जो गांव है, मतलब जितना पूरा एरिया है सब किरौलाओं का है नहीं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कोई यहाँ पर अभी फंक्शन है, तो फटाफट चलते हैं, आपको फंक्शन नहीं मिलते। बेड भी हो, रिमोट वाला वो सिलेंडर, और वो ईसीजी मशीन, और उसका हमारे भी यूट्यूब चैनल वगैरह, हमने सेव द ह्यूमैनिटी नाम से हमारा चैनल है, हमने आपको भी फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम वगैरह। मीटिंग में भी किया है, मेरी कहती भैया हमारा किरौला है, मैंने उसको कल मैंने कॉल करा ना बेटी को, मैंने कहा आज ऐसे कह रहे, अरे वो तो मैं तो कब से एक साल से फॉलो कर रही हूँ, बोल रहा हूँ बेटा भी मेरा है, यहाँ पर लगभग 18 मेंबर्स ये वाले आश्रम, और वहाँ पे 30+ है, 30+ ये नोएडा में, हाँ बिहार में भी स्कूल से वहाँ 400-500 बच्चे का मुफ्त में शिक्षा, वहाँ सीएमओ ने वो भी कर रखा है, अभी जब आईसीयू का वो आया ना किसी ने दिया, तो सीएमओ ने हफ्ते में एक दिन डॉक्टर को आएंगे वहाँ, दादाजी आपकी दुबई से प्रोफाइल आई हुई। दोस्तों जो आश्रम है वहाँ पर मैं जाके आ गया, ये अपना ओल्ड एज होम है, और सेव द ह्यूमैनिटी करके इनका पूरा एक फाउंडेशन, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है। तो जो लोग भी जो ओल्ड एज होम्स है उसमें डोनेट वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये आपका पूरा डिटेल यहाँ पर है, उनका इंस्टा आईडी वगैरह मैं नीचे मैंशन कर दूँगा, ठीक है। तो देखो आप बेसिकली अगर आप डोनेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आपका टैक्स वगैरह में रिबेट आपको मिल जाती है। सो अगर आपने सपोज़ किया कि 1-1.5-2 लाख आपने टैक्स पे करना है, तो आप 50,000 यहाँ पर डोनेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी आपने देना ही है, यहाँ भी आप दोगे तो यहाँ पर आपके लिए और बेनिफिशियल है, ठीक है।
और इसका टैक्स रिबेट भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो तो कोई सोचेगा यार मैं क्यों ही तो टैक्स दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप दे सकते हो, आप डोनेशन वगैरह कर सकते हो, और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को फ़ायदा ही होगा जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और नए लोग जो जिनकी ज़रूरत जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वो आ सकते हैं, इन्हें आ सकते हैं। ऐसे आश्रम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, और बड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले पाएंगे, है नहीं? तो आपको करना चाहिए। मेरा जैसे आपने देखा होगा, मेरा अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेट में कुछ भी बड़ा हादसा इंसिडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर बेसिकली उस वहाँ की स्टेट की डोनेशन वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कुछ भी बनती है, वहाँ पर मैं कर देता हूँ अपनी साइड से जो भी डोनेशन होता है ना। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, अपन पब्लिक ढिंढोरा ज़्यादा नहीं पीटते कि हमने ये किया। वो जो होता है ना, टेंट लगा दिए, चार लोगों को वहाँ पर ऐसे रोटी पूड़ी खिला दी, फिर बता दिया लोग पब्लिक में आके, देखो मैं कितना दान धर्म करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सारे डोनेशन हर जगह जाते हैं। तो जो लोग भी हैं, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट रहता है कि यार हाँ मैं कुछ ना कुछ लाइफ में, हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो हमको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी आश्रम्स वगैरह हैं, है ना, चाहे आपके बच्चों के अनाथ आश्रम हो गया, चाहे ओल्ड एज होम हो गया, यहाँ पर आप कर सकते हैं। चाहे आपका गौशाला हो गया, है ना, जहाँ पर गाय वगैरह रहती हैं, जानवर रहते हैं, या आपका वो हो गया क्या बोलते हैं, जहाँ पर डॉग्स वगैरह रहते हैं, छोटे कुत्ते जो बच्चे, हाँ, डॉग शेल्टर वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं डोनेशन, है ना। और कोई नया छोटे मोटे जिन्होंने स्टार्ट किए, जो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सेव करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, कुत्तों को, जानवरों को, वहाँ पर भी आप डोनेशन कर सकते हो। ये कहने की इससे आपके अंदर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं लाइफ में मैं डोनेशन करता हूँ, उससे अपने अंदर और पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। और बाकी ये पूरी डिटेल है, इनके कई सारे आश्रम हैं, इंस्टा और यूट्यूब पेज भी है इनका। राइट, तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ घर को, और अभी मेरे को एक जगह और जाना है, थोड़ा फ्लैग वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं।